तो एक तरफ जहां प्रदेश में आयोजित रोजगार मेलों में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला, वहीं पीएम मोदी ने देश के लोगों को धनतेरस पर एक और बड़ा गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को आयुष्मान व्या वंदना कार्ड भी सौंपा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। आज इस कार्यक्रम में इन पांच स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई देती। आयुष्मान भारत योजना का हुआ विस्तार, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा लाभ। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार गरीब के इलाज का खर्च उठाएगी। एक समय था जब इलाज में लोगों के घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनते ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मोदी सरकार की आयुष्मान योजना का विस्तार किया गया है और ये योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है।